महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे का शिकार। पहले हुआ धमाका और मच गई चीख पुकार, बुझ गए घरों के चिराग, लापरवाही की भेंट चढ़े नौनिहाल। आज सुबह जब बच्चों को लेने स्कूल की बस आई होगी, किसी माँ ने ये नहीं सोचा होगा कि आज आखिरी बार अपने बच्चे को दुलार कर रही है। वो अपने ही हाथों से तैयार करके अपने राज दुलारे को मौत के मुंह में भेज रही होगी। किसी पिता ने नहीं सोचा होगा कि वो आज आखिरी बार अपने बच्चे का मुंह देख रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जो हादसा हुआ उससे आप सिहर जाएंगे। अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले एक बार जरूर डर जाएंगे। आज 11 अप्रैल के दिन सभी सरकारी दफ्तरों और स्कूलों की छुट्टी थी, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा के महेंद्रगढ़ के जीएल पब्लिक स्कूल ने सभी नियमों को धता बताते हुए स्कूल खुला रखा। बस ड्राइवर ने करीब 40 बच्चों को पिक किया, लेकिन जैसे ही बस उनहानी गांव के पास पहुंची तो बेकाबू होकर पलट गई। बस के पलटते ही चीख पुकार मच गई। छोटे छोटे बच्चे खून से लथपथ बिलख रहे थे। इस हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, ये संज्ञान में आया कि ये प्राइवेट स्कूल जो है आज छुट्टी के दिन चला रहा है, इस पे एक्शन बिल्कुल लिया जा रहा है और छुट्टी होने के बावजूद चलाया गया, इसलिए इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी ऊपर भेज दिया गया प्रपोजल। कितने लोगों के बच्चों के मरने की पुष्टि अब तक प्रशासन की तरफ से? अभी तक 6 कैजुअलिटीज हुई है। हादसे की वजह ओवरटेक बताया जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि हादसे के वक्त बस का ड्राइवर शराब के नशे में चूर था और उसका बस की रफ्तार पर काबू नहीं रहा। वो सड़क पर साथ चलने वाले वाहनों से रेस लगा रहा था, जो हादसे की वजह बन गया। वहीं बस हादसे को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा घायल बच्चों के हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे, तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हादसे पर कड़ी कार्यवाही का भरोसा दिया। स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी आज कड़ीना के निकट उन्हाड़ी बोर्ड पर मिली है। बहुत ही दुखद घटना की जानकारी आ रही है कि 8 से अधिक बच्चे जो है उस दुर्घटना के कारण काल का ग्रास बन गए। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ऐसे समय में जो है सारा प्रदेश इस दुख में शामिल है। उनके माँ बाप को किस शब्दों में जो है संभावना मिलेगी, वो शब्द मेरे पास नहीं है। तुरंत प्रशासन सक्रिय होकर जो भी मदद कर सकता है वो सब सरकार और प्रशासन मिलकर करें। इनकी छुट्टी होने के बावजूद स्कूल की बस स्कूल फंक्शन कर रहा था, ये एक अलग विषय है। इसके ऊपर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इसका कारण क्या था, और जिसकी भी नेग्लिजेंस है, चाहे वो कोई ड्राइवर है, कंडक्टर है, या जिन कारणों से दुर्घटना हुई है, उन कारणों का पता लगा करके सख्त से सख्त सजा जो भी दोषी हैं उनको मिलना चाहिए। जांच पूरी होने के बाद शायद दोषियों पर कार्यवाही होगी, लेकिन स्कूल की ये लापरवाही उन माँ बाप के जहन में हमेशा जिंदा रहेगी, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को इस हादसे में गवा दिया। बेबसी, बेचारगी और बेहिसाब दर्द के लिए ये परिजन हमेशा इस मलाल में जीते रहेंगे कि काश उन्होंने आज अपने बच्चे को स्कूल ना भेजा होता, काश आज स्कूल की छुट्टी होती तो आज उनके नौनिहाल उनके पास रहते। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।